इंडिया। बड़ी खबर, पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू का ये दूसरा दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी विकास से डेवलपमेंट से जुड़ी कई सौगात जम्मू को देने वाले हैं। पीएम मोदी 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी एम्स जम्मू, आईआईटी जम्मू, आईएम जम्मू को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ तीन आईआईटी देश को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम कश्मीर को पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात भी देंगे। सुबह 11:30 बजे जम्मू में होने वाली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के 1500 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। तो एक बड़ी सौगात जम्मू को मिलने वाली है। कश्मीर को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात जम्मू के अलावा देने वाले हैं प्रधानमंत्री। और बनिहाल संगलदान खंड पर ट्रेन सेवा का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू के एमएएम स्टेडियम में एक भव्य रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। कुछ ही घंटे बाकी रह गए, हालांकि दिनों का इंतजार था जम्मू कश्मीर के लोगों को, लेकिन अब कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जम्मू के एमएएम स्टेडियम में एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ जम्मू नहीं बल्कि बनिहाल, रामबन, कश्मीर से भी कुछ लोग आए हैं। और इस वक्त हम जहां खड़े हैं स्टेडियम के पास, यहां पर राजौरी और पुंछ से भी बहुत से लोग आए हैं। हालांकि कई बार राजौरी और पुंछ के लोगों की बहुत सारी डिमांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रही है, और कुछ ही दिन पहले ही एक बिल पास हुआ है, पहाड़ी लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आज आप नरेंद्र मोदी की रैली में आए हैं, क्या कहेंगे? हम नरेंद्र मोदी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। हमने जो आज 9 साल अरसा के अंदर देखा है, वो 1947 से लेकर कांग्रेस की हुकूमत रही, उसमें इतना काम नहीं हुआ। डेवलपमेंट देखो, आज 80 करोड़ आदमी को राशन फ्री मिलता है। इस समय हम जो एसटी तबका के खास जो आए, 10,000 आदमी एसटी तबका का, ये गुजर तबके से जो ताल्लुक रखता है, और ये तमाम पहाड़ी से उतरा हुआ है, और ये जितने मेरे भाई खड़े हैं ये तमाम गुजर हैं। हम ये शुक्रगुजार हैं जो पहाड़ियों को भी थोड़ा हक दिया। अगर किसी गरीब को कुछ फायदा भी हो, आज हमारे बच्चे, आज हमारे ऊपर बिजली का लोड, और यहाँ पर लीडर का काम है और सीधा आम रास्ता दिखाना। सीधा सीधा इनका ये कहना है कि अगर इनके बच्चों की अच्छी तालीम हो रही है तो मोदी की वजह से, अगर उनके बच्चों को फ्री राशन मिल रहा है तो मोदी की वजह से, अगर पहाड़ी लोगों के लिए सोचा गया है तो 70 साल में जो नहीं हुआ है वो अब हुआ है पहाड़ी लोगों के लिए। जम्मू पुंछ में जो जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है उन लोगों के लिए जो हुआ है वो किया है तो सिर्फ मोदी ने। राजौरी पुंछ के लोगों ने खास कहा कि 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद हम दुआ करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सेहत अच्छी हो और फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री वो जरूर बने, और बनेंगे भी, ये लोगों को भरोसा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। तो जम्मू के लोग कितने एक्साइटेड हैं ये आपने सुना प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। पीएम का ये दौरा राष्ट्र को समर्पित होगा। आइए उन अहम सौगातों पर नजर डालते हैं जो जम्मू कश्मीर को आज प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। तो पीएम विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं हैं, इनमें एम्स जम्मू है, उसके अलावा 3 आईआईटी समेत आईआईटी जम्मू का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। आईएम जम्मू समेत 3 आईएम राष्ट्र को समर्पित होंगे। कश्मीर को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात भी मिलने वाली है। उसके अलावा बनिहाल संगलदान खंड पर ट्रेन सेवा का उद्घाटन होगा। सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। साथ ही साथ नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी प्रधानमंत्री बांटेंगे। तो ये कुल मिलाकर आप देखें कि 32,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं, और साथ ही साथ आईआईटी, एम्स और आईएम का भी एक तरह से प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू दौरे पर लोग खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में लोगों ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की है। तो हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने गरीब पब्लिक के लिए बहुत कुछ सोचा है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर सर, ऐसा है कि मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है, अगर देखा जाए, हकीकत में देखा जाए तो प्रधानमंत्री के लिए क्या दुआ? बिल्कुल दुआएं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, रब और जिंदगी दे। हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि उनको और ऊपर तरक्की दे। राजौरी पुंछ के लोगों ने खास कहा कि 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद हम दुआ करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सेहत अच्छी हो और फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री वो जरूर बने, और बनेंगे भी, ये लोगों को भरोसा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू।
तो आप देख रहे हैं लोग कितने खुश हैं, प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुंचेंगे और ऐसे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि पहाड़ी जो समुदाय से लोग आते हैं वो खासे खुश हैं। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि अभी तक जितनी भी सरकारें नहीं हैं हमारे लिए उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धारा 370 हटने के बाद ये दूसरा दौरा जम्मू का है प्रधानमंत्री का, और ऐसे में 32,000 करोड़ रुपये की सौगात देने वाले हैं जिनमें एम्स, IIT और उसके अलावा IIM और साथ ही साथ कश्मीर को एक ट्रेन भी सौगात के रूप में प्रधानमंत्री देने वाले हैं। और आइए सीधे रुख करते हैं, मेरी सहयोगी कोमल इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोमल, प्रधानमंत्री का धारा 370 हटने के बाद ये दूसरा दौरा है और लोग खासे उत्साहित हैं, हमने आपसे बातचीत में भी लोगों को सुना, गुर्जर समुदाय, पहाड़ी समुदाय के लोग खासतौर पर खुश हैं प्रधानमंत्री के आगमन से, और कहीं ना कहीं खुशी बनती भी है क्योंकि इतनी सारी सौगातें मिलने वाली हैं आज। कोमल से हम बात करने की कोशिश करेंगे, उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन आपको बता दें प्रधानमंत्री का आज जम्मू दौरा है और क्या कुछ प्रधानमंत्री देने वाले हैं इसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा लोग उत्साहित हैं। बनिहाल संगलदान खंड पर ट्रेन सेवा का उद्घाटन करेंगे, कश्मीर को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं, और ये तमाम चीजें सड़क, रेल, शिक्षा समेत कई सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं जम्मू के लोगों को। और जम्मू कश्मीर विकास के नए पथ पर चल रहा है आज प्रधानमंत्री, रेल से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की भी सौगात देने वाले हैं, तो वहीं एम्स जम्मू राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री, जिसे कश्मीर की जनता को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात आज होने जा रही है जम्मू के लोगों को, क्या कुछ मिलने वाला है, 32,000 करोड़ की सौगात मिलने वाली है और उनके प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। उनका साफ साफ ये कहना है कि अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं ऐसा अब तक नहीं हुआ था, एकदम से नया रूप ले रहा है जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात करें। आप देखें कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं, आज जम्मू का दौरा करने वाले हैं, उसके अलावा एम्स देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू एम्स जो है वो आज राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए आज एक विशेष सत्र बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार मराठा समुदाय को 10 से 12 फीसदी के बीच आरक्षण दे सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं को आरक्षण देने से पहले पूरे राज्य में पिछड़े वर्ग के मराठाओं का सर्वे भी कराया है। तो आपको बता दें मराठा आरक्षण को आज मंजूरी दे सकती है सरकार। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं